नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज राजगुरु और मेरे YouTube चैनल मनोज राजगुरु सक्सेस मंत्रा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बात करने वाले हैं भारतीय नदी तंत्र की, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो बेसिकली हम भारतीय नदियों को दो भागों में बांटते हैं, एक है हिमालयी नदी तंत्र और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। तो हिमालयी नदी तंत्र में जो प्रमुख नदियां हैं, इसमें दो पार्ट्स आ जाएंगे, एक सिंधु नदी तंत्र और दूसरा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो बात करें सिंधु नदी तंत्र की, तो यहां पर आप देख सकते हैं सिंधु नदी तंत्र में हमारे पास जो प्रमुख नदी है वह है सिंधु, और सिंधु की प्रमुख सहायक नदियां आप यहां पर देख सकते हैं झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलुज। ये सभी नदियां सिंधु की सहायक नदियां हैं और साथ में ये सभी नदियां गिरती है अरब सागर में। अब दूसरी तरफ बात करेंगे हिमालय नदी तंत्र का एक और प्रमुख नदी तंत्र, जिसमें आ जाएगा आपका गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो गंगा भारत की सबसे लंबी एक नदी है और इसकी प्रमुख नदियां हैं यमुना, चंबल, घग्गर, सोन, गंडक, कोसी। ये सभी नदियां गंगा की सहायक नदियां हैं और ये सभी नदियां गिरती है बंगाल की खाड़ी में। तो चलिए सारी चीजें समझ लेते एक मैप स्टडी के माध्यम से। यह है हमारे पास भारत का मैप और यहीं पे समझ लेते हैं नदियों की। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, यहाँ पर ये देखिए तिब्बत और ये हमारा भारत। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ से ओरिजिनेट होने वाली नदी, और तिब्बत से यहाँ पर हिमालय के पैरेलल जाती है एक नदी जो कि यहाँ पर नामचा बारुआ पीक इसे यू टर्न देता है भारत में, और यहाँ पर ये नदी लास्ट में जाती है बांग्लादेश में, जिसके बाद मिलती है बंगाल की खाड़ी में। तो यहाँ पर बात करें जो हिमालय के ठीक पैरेलल रन करती है ये नदी, इसे बोला जाता है तिब्बत में सोंगपो, और सोंगपो का अर्थ होता है पवित्र करने वाली। तो सोंगपो नदी हिमालय के ठीक पैरेलल जाने के बाद यहाँ पर नामचा बारुआ पीक के साथ टकराती है और यहाँ से यू टर्न लेकर इंडिया में एंटर होती है, जहां पर इसे बोला जाता है ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसके बाद ब्रह्मपुत्र जाती है बांग्लादेश में, जहां पर इसका नाम हो जाता है जमुना। तो हमारी ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में कहलाती है जमुना, जबकि तिब्बत में इसी को ही बोला जाता है सोंगपो। अब ठीक इसी से दूसरी तरफ बात करें, मानसरोवर से निकलती है यहां पर जम्मू कश्मीर में, और फिर पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी, इस नदी का नाम है इंडस यानी सिंध नदी। तो सिंध नदी जो निकलती है मानसरोवर से ही और यहां पर जम्मू कश्मीर में आने के बाद जाती है पाकिस्तान, पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है सिंध नदी, और फाइनली यह गिरती है यहां पर अरब सागर में। अब बात करेंगे भारत की सबसे लंबी और प्रमुख नदी जो है हमारी राष्ट्रीय नदी गंगा। तो यहां पर उत्तराखंड गंगोत्री से निकलती है गंगा और फिर जाती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में इस गंगा नदी को बोला जाता है पद्मा। तो हमारी गंगा बांग्लादेश में पद्मा, और गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। तो 2525 किलोमीटर लंबी ये गंगा नदी, राष्ट्रीय नदी गंगा, इसे दर्जा दिया गया था राष्ट्रीय नदी का 2008 में। तो ये प्रमुख हमारी हिमालयी नदियां हैं। अब बात करेंगे यहां पर प्रायद्वीपीय नदियों की, तो सबसे पहले दो प्रमुख नदियों की हम बात करेंगे जो सीधी जाती है खंबात की खाड़ी में, ये वाली नदी है नर्मदा और दूसरी नदी है तापी। तो नर्मदा और तापी दोनों ऐसी नदियां हैं जो पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है और दोनों गिरती है अरब सागर में, लेकिन अरब सागर में गिरने से पहले ये जाती है खंबात की खाड़ी में। और ये दो ऐसी नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती, क्यों? क्योंकि ये दोनों बहती है रिफ्ट घाटी से होकर। तो रिफ्ट घाटी से होकर बहने के साथ ही इनका फ्लो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से ये डेल्टा नहीं बनाती। ठीक इससे दूसरी साइड को एक नदी निकलती है जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, जिसे बोला जाता है महानदी। तो महानदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी आप यहां पर देख सकते हैं, जो गिरती है बंगाल की खाड़ी में। यहां पर हम देखें तो नासिक से निकलने वाली एक नदी है जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसका नाम है गोदावरी। तो गोदावरी गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, और गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी होने के साथ साथ कहलाती है दक्षिण भारत की गंगा, वृद्ध गंगा, पुरानी गंगा। इसके ठीक नीचे बहती है कृष्णा नदी, और कृष्णा के नीचे बहती है
कावेरी नदी। तो यहाँ पर देखिए कावेरी नदी यहाँ पर दक्षिण में है और इसलिए इसे बोला जाता है दक्षिण गंगा, जबकि दक्षिण भारत की सबसे प्रमुख नदी है, सबसे लंबी नदी है गोदावरी, इसलिए गोदावरी को बोला जाता है दक्षिण भारत की गंगा। तो यहाँ पर एक डिफरेंस है, दक्षिण भारत की गंगा जो यहाँ की सबसे प्रमुख नदी है गोदावरी, और दक्षिण गंगा बोला जाता है कावेरी को, क्योंकि ये बिल्कुल दक्षिण में स्थित है। अब बात करेंगे यहाँ पर जो सबसे दक्षिण में नदी आ जाती है इसका नाम है बेगई, और बेगई नदी गिरती है मनार की खाड़ी में। तो मनार की खाड़ी में गिरने वाली दक्षिणी नदी है बेगई नदी, जबकि कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और महानदी ये सभी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। तो ये है भारत की प्रमुख नदियां। तो दोबारा मैं आपको रिपीट करके बताता हूं, नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और बेगई, ये सभी है प्रायद्वीपीय नदियां, जबकि हिमालय नदी तंत्र की प्रमुख नदी थी सिंधु नदी तंत्र, और दूसरी साइड हम बात करें गंगा नदी तंत्र की। अब बात कर लेते हैं गंगा और इसकी सहायक नदियों की। तो गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है उस नदी का नाम है यमुना। तो यमुना गंगा की सहायक नदी है और साथ ही साथ भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी का क्रेडिट भी जाता है यमुना को। इसके अलावा यहां से मध्य प्रदेश एक और नदी यमुना में गिरती है जिस नदी का नाम है चंबल नदी। तो चंबल नदी भी यमुना की सहायक नदी है। इसके अलावा बात करें इसमें मिलने वाली नदियां हैं घग्गर, कोसी, सोन, तो ये सभी नदियां प्रमुख सहायक नदियां हैं गंगा की। इसके अलावा दो ऐसी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरने से पहले ही गायब हो जाती है। तो दोनों प्रमुख नदियां राजस्थान की, एक है लूणी और एक है माही। तो लूणी और माही दोनों नदियां ऐसी है जो बीच में लुप्त हो जाती है कच्छ के रण में, और इनका कहीं पे भी मुहाना नहीं आपको मिलेगा। तो ये था आज का हमारा मेन टॉपिक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, मनोज राजगुरु सक्सेस मंत्रा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।